कन्हैया, क्या जो बात ये अभय दुबे कह रहे हैं, और दूसरा सवाल भी इसमें हम जोड़ देते हैं जो हमने जनता से पूछा, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर इंडिया ने 24 लोकसभा चुनाव के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दिया है क्या? और हां कहने वाले 56% हैं, तो ये आंकड़े ही नहीं जारी हुए हैं, और जो मेरी जानकारी है दुरुस्त कीजिएगा, गलत हूं तो उसके बारे में बताइएगा, अब आरक्षण भी लागू करेंगे नीतीश कुमार, तो ये दरअसल सिर्फ विधानसभा नहीं, असल लड़ाई है 24 की लड़ाई के लिए एक पोजीशनिंग की जा रही है क्या? बिल्कुल की जा रही है, महाभारत है तो महाभारत का अभी तैयारी तो होगी ही ना, और इनके पास अब था, मतलब इसके अलावा था क्या? उधर से जो वो सनातन सनातन कर रहे थे, और हिंदू को ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो वो उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, जो उनकी रणनीति रही है या है अभी, तो उसके काट के लिए इनके पास क्या होगा? तो ये नीतीश कुमार आप जानते हैं कि किस तरह के हैं, दिमाग रखते हैं, तो ये था इन लोगों का अब। लेकिन चूंकि यह है कि इसको किस तरह से बिहार में या पूरे देश भर में बदनाम जो होता है ना, कि बदनाम जातीयता करता है, लेकिन ये जातीयता थोड़े है, ये बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, कहाँ दिक्कत है इसमें? अब बताइए बिहार में आप जो 243 में आप समझिए कि 64 अपर कास्ट के एमएलए हैं, आप बताइए 64 अपर कास्ट के एमएलए हैं कई परसेंट हो गए आप, है 10%। तो देखिए ये बिल्कुल लड़ाई, आज तो नीतीश कुमार ने कहा भी, उनसे पत्रकारों ने पूछा भी इस पर कि आरक्षण वाली बात क्या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हालांकि उन्होंने कुछ कहा कि देखते जाइए क्या होता है, और अगली जो विधानसभा का जो अगला सेशन होगा उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के जो बात जो डिमांड जो लोग कर रहे हैं वो भी हम लाएंगे, सामाजिक सर्वेक्षण वो सब भी लाएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर यकीनन ये जो है एकदम तैयारी है 24 का, और ये ऐसा ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कन्हैया भाई, क्या ये सवाल भी जायज सवाल नहीं होगा कि 15 साल लालू के, उसमें राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी पर लालू राजी मानते हैं, 18 साल नीतीश कुमार के, 33 साल में याद नहीं आई, अब वो ऐन मौके पर ये याद आता है तो भाई जाति का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति तो है, जन कल्याण कम अपना कल्याण ज्यादा दिख रहा है क्या इसमें, या लोग देखेंगे क्या, या देख रहे हैं ये क्या, क्यों ये पूछने वाले आखिर जो ये पूछेंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि नौ सालों में आपको महिला आरक्षण को याद नहीं आया क्या? इतना 17 से आप रोहिणी बैठाए, 17 में रोहिणी आयोग बैठाया था, उसका एक्सटेंशन दिए जा रहे थे, आपको याद नहीं आया क्या? बहुत सारी जो बातें हैं, इश्यूज है जो पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पूछने वाला है, और वो तो कदापि नहीं पूछेगा जो मेजोरिटी में है, आप समझिए जो 84% है वो कहाँ पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। आप देखिए मैं जो समझ रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, आप संदीप भाई जो आप वो साउथ अफ्रीका में जो बात थी, 10% जो हैं वो 90% पर राज कर रहे थे, फिर बाद में कैसी परिस्थिति में, एकदम वही होते जा रहा है, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बड़ा ये मुझे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।